शकील को और भावना झा को पार्टी से निकाला। कांग्रेस नेतृत्व पाटलिपुत्रा गए, गठबंधन के खिलाफ मधुबनी में लोग चुनाव लड़ रहे थे उसे निकाला। महागठबंधन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सुपौल में उन्होंने किसको किसको निकाला जो गठबंधन का नेतृत्व? चतरा में उन्होंने किसको किसको निकाला? दरभंगा में उन्होंने किसको किसको निकाला? और उनसे मैं जानना चाहता हूं, एक कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता जिन्होंने दलाली किया अपने परिवार के लिए और एक परिवार का मुखिया, ये दोनों मिलकर सौदा किया बिहार में महागठबंधन को कमजोर करने का। 700 करोड़ से ज्यादा में सौदा हुआ। जो खुद संविधान बचाने की बात और पिता को जेल से छुड़ाने की बात, वोट दीजिए और खुद वोट नहीं देना और संविधान के गैर जिम्मेदार ना हरकत करना, और पटना साहब में ना तो प्रचार करने जाना ना तो वोट गिराना, ऐसे लोग जो आज विदेश चले गए, जिन्हें 11 करोड़ 30 लाख लोगों की जनता से कोई लेना देना नहीं था, उनकी लड़ाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी से नहीं थी। 23 तारीख को बिहार का सबसे बड़ा विलेन महागठबंधन का एक परिवार और कांग्रेस का एक नेता, जो अपने बेटे के लिए पैसे में सौदा किया और दोनों मिलकर 11 सीट, 5 उपेंद्र कुशवाहा, 3-3 11, और उसके बाद 9 सीट पर बीजेपी के साथ समझौता किया, उसमें सबसे पहला सीट चतरा और सुपौल, जहां पर इन्होंने कैंडिडेट उतारे, हराने का सारा ताकत लगाया। मैं धन्यवाद देता हूं यहां की गरीब जनता को, आम आदमी को, युवाओं को, किसान को और महिलाओं को, जिन्होंने इन दलालों को, बेईमानों को।